Good evening friends and welcome back to the channel everyone and I hope you all are doing very well in your life. तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा कि मुझे एक कुरियर रिसीव हुआ है और इस कुरियर में क्या है हमारे लिए वो आइए अभी आपको मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपके लिए. मैंने बोया का एक व्लॉगिंग के लिए एक शॉटगन माइक ऑर्डर किया था वो शायद इस बॉक्स में है तो आइए इसे अनबॉक्स करता हूँ आपके लिए. मुझे व्लॉगिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी और अभी जो ये माइक आप मेरे पास देख रहे हैं ये भी बोया का ही प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इस माइक के और मैं बोया के क्वालिटी से बहुत ही इम्प्रेस था. तो मैंने सोचा कि रोड को फिलहाल के लिए टाल देते हैं और बोया यूज़ करके एक बार देखते हैं कि बोया का माइक की क्या परफॉर्मेंस है. चूँकि मैं बोया पहले से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं बोया से. इसी यही रीज़न है कि मैंने फिर बोया के लिए गया. मैंने रोड को कुछ दिनों के लिए अभी दरकिनार करके रखा हुआ है और रोड पे मैं भी ज़्यादा ध्यान में अपना केंद्रित नहीं करना चाहता. रोड का फिर कभी ले लेंगे. मैं पहले बोया यूज़ करना चाहता हूँ और बोया यूज़ करके देखना चाहता हूँ कि क्या रिजल्ट्स हैं इसके. और फ्रेंड्स ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. मेरे पास कैनन का 200D है और मैं फ़िलहाल उस कैमरे के साथ अभी ये माइक यूज़ करता हूँ कॉलर माइक. काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं बट ब्लॉगिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हर जगह वायर कैरी करना इज़ नॉट दैट ईजी. तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट मैंने देखा अमेज़न पे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपने लिए तो सोचा कि एक बार इसे ऑर्डर करके देखते हैं. ये फ्रेंड्स अब इस MM1 ब्लॉगिंग माइक को शॉटगन माइक को आपके लिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बोया ने MM1 माइक में क्या क्या दिया है. लिए इसके लिए तो मेरी उंगलियाँ ही काफ़ी हैं. और ये है पहला लेयर डब्बे का और इसके अंदर हमारा बोया का जो माइक है MM1 माइक जो है शॉटगन माइक वो आता है. आइए इस MM1 माइक को आपके लिए अनबॉक्स करते हैं. ये इसकी मेन पैकेजिंग है जो कंपनी की तरफ से आती है और कहीं पर इसकी प्राइसिंग तो मुझे नहीं दिख रही है वैसे. और नो बैटरी रिक्वायर्ड कॉम्पैक्ट ऑन कैमरा माइक्रोफोन कॉम्पिटेबल विथ स्मार्टफोन्स DSLR कंज्यूमर कैमकॉर्ड्स रग्ड मेटल कंस्ट्रक्शन नो बैटरी रिक्वायर्ड. तो इसमें फ्रेंड्स बैटरी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही नहीं है और प्रोफेशनली फरी विंडशील्ड. तो इसमें एक डेड कैट भी है अंदर में जो कि विंड प्रोडक्शन का काम करता है. डेड कैट फर बोलते हैं शायद उसे. ओ इसमें प्राइसिंग है. इसमें 2995 रुपये की प्राइसिंग है. थोड़ा टफ है. अच्छी पैकेजिंग है. और यहाँ से खुलता है ये. सीधा निकाला जाता है. देखिए बोया ने क्या क्या दिया है आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले मिलता है एक यूजर मैनुअल जो कि शायद मैं पढ़ूँ या शायद ना भी पढ़ूँ. और इसके साथ आता है वो माउंट जो DSLR पे फिट होता है जिसके थ्रू हम लोग DSLR पे इसे फिट करेंगे माउंट करेंगे. और देन ये है स्मार्टफोन वायर. ये स्मार्टफोन में जब हम इस माइक को यूज़ करेंगे तब इसे प्लग इन करना है. और ये जो वायर है ये DSLR के लिए दिया हुआ है और इसे DSLR में जब हम इस माइक को यूज़ करेंगे तो इसे इस वायर को यूज़ करना है. और देन द बोया माइक कम्स विथ अ ऑल न्यू पाउच. बोया अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ एक पाउच ज़रूर देती है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है और देना भी चाहिए. सेफ्टी होता है. अच्छे से आदमी सामान को रख सकता है. अच्छे से माइक को कैरी कर सकता है. कैरिंग में बहुत ही आसानी हो जाती है. और फिर आता है हमारा मेन पार्ट जो हमारा डेड फर कैट है विथ बोयाज ब्रांडिंग. द मेन पार्ट द माइक. बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है. बोया की ब्रांडिंग है. और ये है सामने से ये जो माइक का पार्ट है शायद आप देख पा रहे होंगे. और ये एक फर है जो कि विंडशील्ड है. विंडशील्ड का काम करेगा. विंड ब्लास्ट से बचाएगा. तो डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आने वाला है इस माइक को यूज़ करके. आइए इस माइक को अब सेट करते हैं माउंट करते हैं
और इसे कुछ इस प्रकार घुमा करके लगाते हैं। और कुछ इस प्रकार से इसे सेट कर लिया है मैंने, और अब इसे जा रहा हूँ अपने DSLR पे माउंट करने के लिए। और आगे जितने भी व्लॉग्स आएंगे मुझे भी शूट करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि अब मेरे पास वायर्स का ज़्यादा झंझट झमेला है नहीं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे की व्लॉगिंग में। और यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए इस माइक के बारे में, लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। और ये प्रमोटेड वीडियो नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पेड वीडियो नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस माइक के रिगार्डिंग या इवन दिस माइक के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, तो वैसे तो मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी बातें आपको ऑलमोस्ट बता दूँ, बट फिर भी हो सकता है, भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी छूट भूल हो सकती है। और दोस्तों, इस वीडियो में कुछ खास था नहीं और बताने को, तो बस आपको मैं यही शेयर करना चाहता था कि मैंने अभी एक माइक ऑर्डर कर लिया है और धीरे धीरे मेरा सेटअप जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दिस सेट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें। जब आप लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि मेरी मेहनत को कुछ लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तो और भी मेहनत करने का मन करता है, और भी मन करता है कि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ वहाँ एक रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। Till then, ride safe, be safe, bye-bye.